मुंडा पांडे तहसील सदर की ग्राम पंचायत रामपुर भीला में कुछ दबंगों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से काफी समय से कब्जा कर रखा था। अब जब ग्राम प्रधान नौशाद अली को गांव के अंदर सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का शासन के आदेश पर गांव में निर्माण कराना था, गांव में ग्राम सभा की जमीन की तलाश की गई तो गाँव के ही नौशे पुत्र शब्बीर ने ग्राम सभा की जमीन पर अपना अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान नौशाद अली ने थाना दिवस मुंडा पांडे में पहुंचकर उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी से की। तो शिकायत मिलने के बाद उप जिलाधिकारी सदर एक्शन में आए और थाना पुलिस और राजस्व की टीम को तत्काल मौके पर भेजकर अवैध कब्जा करने वालों का जो भी सामान ग्राम सभा की जमीन पर रखा था उसे वहां से हटाकर फेंक दिया गया और ग्राम सभा की जमीन को ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया, जिससे कि शासन की योजनाओं में इस ग्राम सभा की जमीन को काम में ला सके और इससे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा समय रहते पूरा किया जा सके। तो वहीं इस पर उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी का साफ कहना है कि अगर तहसील सदर में कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर अपना कब्जा करता है तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज जो अतिक्रमण हटाया है, कौन सी जगह खाली की है, कितनी जगह थी? ये डाटा संख्या है 412/621। जी जी, तो कितनी जगह खाली हुई? ग्राम पंचायत के लिए हमारे एडीओ साहब ने डिसाइड की थी, उस पर अतिक्रमण को रास्ते को लेकर परेशानी चली थी, इस रास्ते को रास्ता मुक्त करा दिया गया, कब्जा मुक्त हो गया और अब किस तरीके को परेशानी है। सर, किसकी मौजूदगी में कौन कौन अधिकारी यहाँ पर? पुलिस आज ग्राम प्रधान द्वारा शिकायत की गई थी, थाना दिवस था। थाना दिवस में SHO मुंडा पांडे के आदेश के अनुसार कब्जा मुक्त करा दिया। किन किन लोगों ने सर कोई पता चला कब्जा कर रखा था? अभी ऐसे कोई नाम किसी ने नहीं बताया क्योंकि सामने कोई मौजूद नहीं था। लमसम कितनी जगह होगी सर? लगभग हमारे हिसाब से लगभग 600 स्क्वायर मीटर जगह होनी चाहिए। क्या क्या दिशा निर्देश दिए उन लोगों को? बंजर भूमि है, हमारे राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि है, जिसको हम लोगों ने ग्राम पंचायत भवन के लिए और शौचालय के लिए उपयुक्त माना था, जिस पर रास्ते को लेकर परेशानी चली थी, इसको रास्ता मुक्त करा दिया है। ग्राम प्रधान की शिकायत, ग्राम प्रधान अपनी शिकायत पर कार्रवाई से संतुष्ट है